के इस गाने के बारे में, कितना इमोशनल हुआ है और कितना इम्पोर्टेंट ये इनिशिएटिव है? गाना बहुत सुंदर है, गाना इतना खूबसूरत है कि जो मुझे लगता है जल्दी जबान पर भी आ जाएगा। लेकिन जो इनका पीछे इसका जो ध्येय है, जो इसके पीछे ये चाहते हैं कि क्या होना चाहिए इसके बाद, ये बहुत अच्छा रीज़न है जिसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये सबके लिए, ये सिर्फ हमारे हम कलाकारों के लिए नहीं है, हम सबके लिए है। जो भी इसके साथ जुड़ेगा, जो भी देखेगा, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं अपने आप को देखेगा। फिर वो बेटी हो या बेटा, वो अनाथ नहीं रहना चाहिए। आप सोच के देखिए, ये शब्द ही बड़ा बहुत ही डिस्टर्ब करता है ये, और ये इतनी प्यारी कोशिश है इनकी। थैंक यू सर जी। ऑल्सो सर, इसके अलावा जैसे इनिशिएटिव के बारे में अगर बात करें, बहुत सारे ऐसे किस्से हमें सुनने के लिए मिलते हैं देश विदेश से, तो और इनका जो फाउंडेशन है वो हर पूरे देश में हर जगह पे काम कर रहा है सर जी। उसके बारे में अगर, मैंने वही तो कहा कि कितनी अच्छी बात है कि जहाँ पूरे देश में ये इनका जो मुहिम जो छेड़ा है इन्होंने, कि ये बच्चों को अडॉप्ट कर रहे हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा अपने पास लेकर आ रहे हैं, जो वो बच्चे जो जिनको पता ही नहीं है कि उनके माँ बाप कौन है, ये सोचकर भी, अभी मेरी मम्मी चली गई तो मुझे पता है वो क्या फीलिंग आती है जब आपको पता हो कि आपके पास, अब मेरी वाइफ है, वो मैं आपको बता नहीं सकता, वो अभी अभी उन्होंने अपने मम्मी डैडी को खोया है इसी साल, तो वो बात बात में रो पड़ती हैं। तो मुझे पता है कि एक माँ बाप की क्या फीलिंग है माँ बाप के ना होने की। तो वो बच्चे जब उनको माँ बाप मिल जाते हैं, जो उनको पता ही नहीं चलेगा कि वो छोटे हैं और उनके माँ बाप अब हैं, तो वो कितनी प्यारी बात है, कितनी अच्छी बात है। सर, गदर और पठान दोनों के दोनों ब्लॉकबस्टर और कंटिन्यू अभी तक चल रही है जी, तो किस तरह का फीलिंग है? कहीं ना कहीं दोनों कंपेयर किया जा रहा था और दोनों की दोनों में आप है, तो कैसा लगता है आपको? कंपेयर तो एक्चुअली होना नहीं चाहिए, एंटरटेनमेंट की बात है और एंटरटेनमेंट हमेशा जीतना चाहिए, और मुझे लग रहा है कि ये एंटरटेनमेंट जीता है। पठान हो, गदर हो, जवान हो, या बाकी फिल्में भी जो चल रही हैं, जो और भी फिल्में हैं, सबको पसंद किया जा रहा है। ये हमारे क्या कहते हैं, हमारे भारतीय सिनेमा की जीत है जो हो रही है, ये इसके लिए मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ गॉड का। और कहीं ना कहीं ये भी बातें चल रही है आपको लेकर के कि विलन की कमी थी बॉलीवुड में, आपके आने के बाद में अभी कमी कहीं थी, कौन सी हो गई थी, क्या लगा? ये ईश्वर की कृपा है सर, अगर ये ऐसा सोच रहे हैं और मुझे इस लायक समझा है इन्होंने सबने, तो मैं सबका आशीर्वाद चाहता हूँ, आप सबका भी, ईश्वर का भी। इसके अलावा कैप्टन और क्या क्या आने वाली है जो लोगों को सरप्राइज करने वाली है? सरप्राइज दोनों को, दोनों सरप्राइज, देखिए आपने आपने खुद कहा है कि सरप्राइज होंगे, तो सरप्राइज तब होंगे जब मैं आपको सरप्राइज दूंगा, वो जल्दी दूंगा आपको सरप्राइज। लेकिन फिलहाल मैं बात करूंगा कि जो इन्होंने एक एल्बम के जरिए, एक एंटरटेनमेंट के जरिए जो यहाँ छुआ है, वो सब तक जाए जी। थैंक यू सर, थैंक यू।